माना जाता है कि अपराधियों में जो खौफ होता है वह वर्दी का होता है, यानी खाकी का खौफ उसके दिलो दिमाग पर छाया होता है। वर्दीधारी कहीं नजर आ जाए तो आम लोगों के दिलों में डर छा जाता है, लेकिन अगर वही खाकी लोगों के बीच इस तरह का मंजर पैदा करे जिससे उन्हें डर नहीं लगता हो बल्कि मजा आता हो और खाकी वर्दी मखौल का पात्र बन जाए, तो फिर कैसे होगा खाकी का इकबाल होना? यह सवाल सबसे बड़ा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि पिछले दो दिनों में झुंझुनू जिले में दो पुलिस कर्मियों ने किस तरह किया वर्दी को दागदार। सरकार चाहे राजस्थान में खाकी के इकबाल बुलंद होने की कितनी ही बातें कर ले, लेकिन उसी खाकी के कुछ नुमाइंदे अपनी हरकतों के चलते वर्दी पर इस तरह कालिक पोतने वाली हरकतें करने में पीछे नहीं, जिसके बाद आम लोगों में भी खाकी के प्रति डर कम हो रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आँखों से पीने में कुछ खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। ये नजारा है शनिवार का झुंझुनू के गुढ़ा मोड़ का, जहां एक पुलिसकर्मी लोगों के लिए हंसी का पात्र बना था। लोग उसकी सहायता भी कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं चाहता कि कोई उसकी सहायता करे। आखिर उसके सिर पर शराब का नशा इस कदर हावी था कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आँखों से पीने में कुछ खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। आप देखिए इन तस्वीरों को। लोग उसे नशे की हालत में एक ऑटो में बिठाते हैं, लेकिन साहब इस पुलिसकर्मी को यह मंजूर नहीं। एक ट्रैफिक कांस्टेबल उसकी सहायता करने की कोशिश करता है, वह वर्दी की लाज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सामने आया कि शराब के नशे में गाफिल ये पुलिसकर्मी बीकानेर पुलिस का जवान था। बेल्ट नंबर 464 वाले इस पुलिसकर्मी की हरकतों से परेशान होकर बाद में तो लोग उसे 20 सड़क पर छोड़कर भागने लगे। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, वो जूली, वो शीला, वो रानो, जमालो, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। थोड़ी सी जो पीली। शनिवार को वर्दी में ये पूरा खेल चलता रहा, तमाशबीन उसका मखौल उड़ाते रहे और खाकी पर कीचड़ उछलता रहा। ये जो तस्वीरें थी वो थी दिन के समय की। अब हम आपको दिखाते हैं शनिवार रात की ही एक और तस्वीर। ये साहब हैं गुढ़ा गोड़जी थाने के एएसआई सुबे सिंह। दरअसल थाने के कैड पंचायत के कीरों की ढाणी में एक शादी समारोह था। लोग शादी में नाच गा रहे थे और इसी बीच सुबे सिंह भी अपनी पुलिस की गाड़ी में वहां पहुंच गए। अकेले नहीं बल्कि कुछ दूसरे पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचे तो वो बन गए चुलबुल पांडे। इनके चेहरे को गौर से देखिए, चेहरे पर नशा साफ झलक रहा था। और फिर उस रात एक दिन के कारावास थाना अधिकारी
सुबह से वर्दी में ही लगाने लगे ठुमके। लोगों के साथ वर्दी में ठुमके लगते देख लोग भी आश्चर्य में नजर आ रहे थे। लेकिन साहब, ये वर्दीधारी पुलिसकर्मी नशे में इस कदर गाफिल नजर आ रहा था कि इसे कुछ होश नहीं रहा। बस इसके ठुमके जारी रहे और लोग खाकी का ये तमाशा देखते रहे। लेकिन वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की इन हरकतों पर अधिकारियों की चुप्पी नहीं टूटी। शर्मनाक हरकतों के बाद खाकी एक बार फिर सवालों में आने लगी है और वाकई इन तस्वीरों को देख प्रश्न यही उठता है कि आखिर कैसे होगा हमारी खाकी का इकबाल बुलंद। फर्स्ट इंडिया के लिए झुंझुनू से अकबर मंसूरी की रिपोर्ट।